वेलकम टू माय चैनल ईएपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या नरेशन की सीरीज का अगला लेसन, लेसन 75। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते थे। बट फ्रेंड्स, आज के लेसन में मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए तो हमें क्या करना होगा। इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं प्रीवियस लेसन से ले रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। अगर मैंने आपके सामने लिखा ही सैड टू मी, और उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यू आर अ प्लेयर, तो आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ही सैड टू मी यू आर अ प्लेयर। आप यहां पर ध्यान से देखिए तो यहां पर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये किसमें है, पास्ट में है। लेकिन आज हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो ऐसी बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो या तो प्रेजेंट में होगी या फिर किस में होगी, फ्यूचर में। मैं दो सेंटेंस और लिख रहा हूँ, इसको भी देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा ही सेज टू मी, यू आर अ प्लेयर, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो मैंने वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा था। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर मैंने क्या लिखा था, सैड, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिख दिया, सेज। यानी यहां पर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, पास्ट में, लेकिन यहां पर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में हो चुकी है, प्रेजेंट में। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, इसको भी ध्यान से देखिए। अगर मैंने आपसे कहा होता ही विल से टू मी, और फिर से मैं इस सेंटेंस को कॉपी कर रहा हूं, यू आर अ प्लेयर, तो आप देख सकते हो मैंने आपके सामने तीन सेंटेंस लिखे हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि रिकॉर्डिंग स्पीच किस में है हमारी, पास्ट में, क्योंकि मैंने सैड लिखा हुआ है। सैड क्या होती है, से की सेकंड फॉर्म। और यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ, सेज, और सेज हम कहां पे लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में। तो यहां पर रिकॉर्डिंग स्पीच किस में होगी हमारी, प्रेजेंट में होगी। और यहां पर मैंने लिखा है क्या, विल से, और यहां पर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना वो किस में है, फ्यूचर में है। तो इसकी बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए तो हमें क्या करना होगा। फ्रेंड्स, लेसन बहुत इजी है, एक्चुअली हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट वगैरह तो बदलेंगे, लेकिन इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना होगा। एक बार मैं फिर से बोलता हूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में किसी भी प्रकार का हमें परिवर्तन नहीं करना होता। कहने का मतलब यह था कि अगर ये प्रेजेंट है तो हमें इसे प्रेजेंट में बनाना होगा। अगर यहां पर ये पास्ट की बात कर रहा होता तो सेंटेंस हमारा पास्ट में बनता। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस बनाया जाएगा। यानी इसके टेंस में हमें परिवर्तन नहीं करना होगा, लेकिन सेंटेंस में परिवर्तन होगा। अब वो कैसे होगा, इसको समझिए। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में थी तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी किया था। इसके बाद सेट टू को हटाकर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, टोल्ड। फिर क्या आ गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, डैट लिखा। इस यू का रिलेशन किससे बन गया, मी से, तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज़म आ रहा हो और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो तो इज़म आर को हमें वॉस वर्ब में बदलना होता है। तो आई के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉस। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ प्लेयर। ये कब किया हम लोगों ने, जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में थी। अब यहां पर देखिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में हो चुकी है तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा और इसको समझते जाइएगा। तो हमारे पास सेंटेंस है ही सेज टू मी, अभी भी हमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को पहले कॉपी करना होगा। यहां पर सेट था तो हमने यहां पर क्या लिखा, टोल्ड लिखा। ये टोल्ड क्या होता है, समझिए, से की सेकेंड फॉर्म होती है क्या, सैड, और टेल की सेकेंड फॉर्म होती है क्या, टोल्ड। तो जब यहां पर सेट था तो हम लोगों ने क्या लिखा, सेट को हटाकर टोल्ड में बदला। उसी तरीके से अगर यहां पर सेज लिखा हुआ है
तो सेज को हटाकर हमें टेल्स में बदल देना है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, बोलिए ही टेल्स, फिर क्या जाएगा मी, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए अभी भी हमें क्या रखना होगा दैट, यू का रिलेशन मी से ही बनेगा, यानी हमें यहाँ पर फिर से क्या रखना होगा आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस एमआर को इस एमआर से ही बदला जा सकता है, कहने का मतलब ये कि अब आई के साथ हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा एम, और उसके बाद सेंटेंस पूरा क्या बनेगा कि ही टेल्स मी दैट आई एम अ पेयर, यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में थी, तो इसके सेंटेंस में तो परिवर्तन हुआ लेकिन इसके टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, ये पहले भी प्रेजेंट था और आज भी किस में है, प्रेजेंट में है। और ऐसी ही कंडीशन होती तब जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो जाए, फ्यूचर में। तो अगर इस सेंटेंस को मैं बनाता तो कैसे बनाता, देखिएगा अभी भी हमें क्या रखना होगा ही, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर विल को कॉपी करेंगे, से को किस में बदलेंगे टेल मी, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर मी, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या लिखेंगे दैट, और फिर से क्या आ जाएगा आई एम अ प्लेयर। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में हमें परिवर्तन नहीं करना होगा। इसमें कुछ एग्जांपल और लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अगर ये पहला जो स्टेटमेंट है जहां पर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, अगर ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता कि ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, ऐसा सेंटेंस आपके पास होता तो ध्यान दीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, तो ही टोल्ड मी दैट, इस आई का रिलेशन किससे बनेगा ही से, तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा ही लिखना होगा। और ये चूंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें किस में, पास्ट इंडेफिनिट में बदलना होता था, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट कैसे होगा, प्ले की हमें सेकेंड फॉर्म लगानी होगी, बाकी तो चीजें कॉपी ही करनी होती है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड क्रिकेट, क्या लिखा मैंने कि ही सेज टू मी, और उसके बाद यहां पर लिखा गया क्या आई प्ले क्रिकेट। तो सेंटेंस देखिएगा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में थी तो हमने क्या किया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच किस में है प्रेजेंट में है, ये सारी चीजें तो बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी, और क्या बोलना पड़ेगा ही टेल्स मी दैट, और इस आई का रिलेशन किससे बन गया ही से, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा ही लिखना होगा। ही क्यों लिखा हमने, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेलता है, वो खेलता है, तो क्या लिखा मैंने ही। अब ये सेंटेंस हमारा कहाँ का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसके टेंस में हमें परिवर्तन नहीं करना, तो ही के साथ हमें रखनी होगी क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो प्ले की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेस हो जाएगी, तो सेंटेंस क्या बनने वाला ही टेल्स मी दैट ही प्लेस, और उसके बाद क्या क्रिकेट। तो आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी फ्यूचर में होगी तो हमें इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना। एक एग्जांपल और, अगर ये सेंटेंस होता ही सेड मी आई प्लेड क्रिकेट, तो सेंटेंस हमारा कहां का हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। अब अगर ये सेंटेंस बनता तो मुझे क्या लिखना पड़ता ही हैड प्लेड क्रिकेट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, लेकिन ऐसा हमने तब किया जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में थी। और ऐसा ही सेंटेंस अगर यहाँ का होता और सेंटेंस क्या होता आई प्लेड क्रिकेट, तो हमें यह देखना होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच तो हमारे प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में परिवर्तन किया नहीं जा सकता। तो पहले ये हमारा क्या था पास्ट इंडेफिनिट, और अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि ही प्लेड क्रिकेट तो भी ये सेंटेंस हमारा कहाँ का है पास्ट इंडेफिनिट का ही है। और अगर ये सेंटेंस विल के साथ आ जाए, यानी रिपोर्टिंग स्पीच विल के साथ होती फ्यूचर में होती तो भी इस सेंटेंस को हमें ऐसे ही बनाना होता। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट में होगी तो हमें ढेर सारे रूल्स जो प्रीवियस लेसन में पढ़े हैं उन सबको फॉलो करना होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं करना होता। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।